Hey everyone, this is Abhutu Sain and you are watching AMU Studios का बहुत ही important video. और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा एक और setup है जो नीचे है. और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपके पास में ये होना चाहिए, इतना बड़ा माइक होना चाहिए, इतना बड़ा सेटअप होना चाहिए. वैसे मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि आपका जो दिमाग है ना और आपके जो कान है ये आपकी आवाज को सुनते हैं. जो आप मुंह से बोल रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप कान से क्या सुन रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आज मैं आपको एक चीज एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई स्टूडियो नहीं है, आपके पास में नेकेड वॉल है जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, मैं आपको और भी दिखाता हूं कि मैं कहां पर बैठा हूं और क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहां पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास में अभी फिलहाल, चलिए एक शुरुआत से शुरू करते हैं कि कौन सा सेटअप कितने का है और मैंने उसमें कितना इन्वेस्ट किया और आउटपुट यानी कि रिकॉर्डिंग आउटपुट कैसा मिल गया. ये एक श्योर का माइक है PG48. ये मैंने लिया था महज 800 रुपए का माइक. ये मैं एज एन रेफरेंस के लिए यूज करता हूँ. रेफरेंस इन द सेंस यानी कि एक रूम में जब कोई होता है, जब हम लोग टेक्निकल रूम में होते हैं और रिकॉर्डिंग रूम में जब हमें कोई बात अपनी पहुंचानी होती है तो बार बार तो घूम के जाएंगे नहीं, तो हमारे पास एक माइक होता है जो रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं. और ये पिछले 2008 से मेरे पास में है और ये कहीं खो गया था. जो कि अच्छा मैं एक बात और बता दूं, श्योर का SM58 और ये श्योर का PG48 ये शक्ल से दिखने में सेम है. श्योर का SM58 जो माइक्रोफोन है वो तकरीबन 10,000-10,500 रुपए के आसपास का है, कभी कभी 9,000 रुपए में मिल जाता है. और ये जो माइक है ये मैंने 800 रुपए के लिया था और अभी भी इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1,200-1,300 रुपए के आसपास होगी और इससे मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है. फिर दूसरी चीज, मेरे पास में एक फोकस राइट का एक साउंड कार्ड है. ये फिलहाल दो चैनल का है जिसमें दो माइक लग जाते हैं, बट आप चाहे तो सोलो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको खाली अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना. अब इसको कैसे यूज करूंगा सब मैं आपको दिखाता हूं. फिर इसके अलावा हाँ, और इसकी कीमत तकरीबन अगर आप सोलो लेने जाएंगे तो तकरीबन 9,000-9,500 के आसपास पड़ेगी. ये थोड़ा सा महंगा है. फिर उसके बाद में ये एक हॉक की केबल है जो महज मुझे जो मिली है वो 450 रुपए समथिंग कुछ ऐसी थी, 480 से 500 रुपए के बीच में थी, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं रेट क्या था इसकी. वो है एक नॉर्मल सा मेरा लैपटॉप है जिस पर मैं रिकॉर्ड करूंगा और ये लैपटॉप जो है वो Zephyrus G14 है. ये हल्का लैपटॉप है, 14 इंचेस का है, तो मैं कहीं पर भी इसको यूज कर लेता हूँ, ले जाता हूँ. एक तकरीबन मैं आपको बात बताऊं तो 14 साल से ये हेडफोन मेरे पास में है, 14 ईयर्स, ठीक है ना. फिलिप्स का हेडफोन है, मैंने इससे कितनी सारी रिकॉर्डिंग कर डाली है, लेकिन हिफाजत से यूज करेंगे तो डेफिनेटली यूज होगा. और इसकी कीमत तकरीबन जब मैंने लिया था तो 500 रुपए समथिंग कुछ का था, क्योंकि अगेन वही मुझे कोरस रिकॉर्ड करना था तो मैंने ये हेडफोन लिए थे. और ऐसे मैंने 3-4 हेडफोन लिए थे जिसमें से दो जो है वो खराब हो गए और ये जो था वो अभी भी काम करता है, ठीक से काम करता है, ठीक है. अब इसके हेडफोन में क्या है कि 0.3 mm का ये जैक है, तो इसमें लगाने के लिए मेरे पास में एक 0.3 mm टू 1/4 inch जैक एक है जिसको मैं यहां पे लगा देता हूं और मैं अपने फोकस राइट के सिस्टम में इसको लगा देता हूं, ठीक है ना. अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं जहां रिकॉर्ड कर रहा हूं वो एरिया कैसा है, वो जगह कैसी है, किस तरह से मेरी वॉल्स हैं. क्योंकि जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी यहां पे मैं इधर, क्योंकि मेरी वाइफ कभी कभी कहीं कुछ काम करने के लिए कुछ अपने काम से चली जाती हैं तो बच्चे मेरे अकेले हो जाते हैं, तो मैं फिर क्योंकि मेरा बेडरूम सामने ही है और ये एक लिविंग रूम है जहां पे मैं बैठा हूं और ये टेबल है, लकड़ी की नॉर्मल टेबल है जिस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना. इसके अलावा एक ये माइक्रोफोन स्टैंड है जिसके क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. तो मैं इन लोगों को देखता भी रहता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि भाई बहन है तो लड़ेंगे, और टीवी देख रहे हैं ये लोग या क्या कर रहे हैं या इनको क्या परेशानी है. इनको वॉशरूम जाना है तो मैं करवा देता हूँ, मैं चला जाता हूँ साथ में, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी अक्सर रिकॉर्ड कर लेता हूँ. और यहाँ पे मैं किन किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करता हूँ, जैसे कि इंटरनेट से रिकॉर्ड यानी कि इंटरनेट पे जब जाने के लिए कोई कंटेंट मेरे पास में आता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री हो गई या कोई एड हो गया या कोई नरेशन हो गया, जिससे मैं मुझे पता है कि ये सिनेमा में नहीं जाना है, मूवी हॉल में नहीं जाना है, ये जाना है, और टीवी में भी नहीं जाना है, ये जाना है इंटरनेट के लिए, ये जाना है किसी एक ऐसी जगह के लिए जहां पे सैटेलाइट का यूज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसीज ड्रॉप डाउन नहीं होती है,
तब मैं यहां पर रिकॉर्ड कर लेता हूं और इन माइक से रिकॉर्ड कर लेता हूं और एक रत्ती बराबर की मुझे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सारी चीजें कैसे कैसे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा रूम कैसा है, मैं कहां पे हूं और किस तरह का शोर है हमारे आसपास। ये एक रिंग लाइट है जो अभी फिलहाल मैंने यूज की है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये वो टेबल है, ये वॉल है जो नेकेड वॉल का मतलब ये होता है कि यहां पे साउंड रिपीट होगा, ठीक है ना। और एक ये बाहर का एरिया है जहां पे एनी जो है वो मिटिया के बाल भी बना रही है, और ये मेरी गाड़ी खड़ी है, वो भी मेरी गाड़ी खड़ी है। और ये एक जगह है जहां पे शोर काफी ज्यादा है, ट्रैफिक का भी शोर है, बाहर से गाड़ियां भी आती जाती रहती हैं, सारी चीजें हैं। और ये वो जगह है जहां पे मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, ताकि कोई आप लोग ये मत माने कि आपके पास में बहुत बेहतरीन स्टूडियो होना चाहिए, आपके पास में ये मशीन होनी चाहिए, आपके पास में वो मशीन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ रिकॉर्डिंग का प्रोसेस। और आज झमघट है, दिवाली का अगला दिन है, तो मेरे पास भी करने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि सारी कंपनीज बंद है, तो आज कुछ काम आया नहीं। तो मैंने सोचा कि ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने माइक फिक्स कर दिया, साथ में अब मैं यूज करूंगा एक पॉप फिल्टर। मैं अभी फिलहाल डुअल पॉप फिल्टर यूज कर रहा हूं, एक थोड़ा सा बहुत कम थिकनेस इसकी है और इसकी भी कम थिकनेस है, थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूं साउंड। तो सबसे पहले मैं इस छोटे वाले को लगा देता हूं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इस तरीके के पॉप फिल्टर जब आप दो लगाते हैं या एक लगाते हैं तो साउंड आपकी जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, यानी कि साउंड जो है वो इतने अच्छे से माइक लेता नहीं है। लेकिन नहीं, उसकी भी टेक्निक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी करते चले जाओगे तो वो सारी चीजें होती चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। और आज जरूरत से ज्यादा शोर है बाहर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा सकूं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरी आवाज पूरी तरीके से माइक में आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं कि मैं वॉल्यूम को एडजस्ट करता हूं अपने हेडफोन के, कि मुझे हेडफोन पे इतना वॉल्यूम ना मिले कि वो एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे मुझे, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं और मैं जो मेरी इंटेंसिटी है उससे कम मैं वॉल्यूम को प्रोड्यूस करूं। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम क्या काम करता हूं कि मैं वॉल्यूम को रख लेता हूं मिड पे, एकदम यानी 50% पे मैं वॉल्यूम को रख लेता हूं, ठीक है ना। और ये जो रिकॉर्ड करने का जो एक लेवल है उसको कैसे चेक करूंगा मैं, उसको मैं सॉफ्टवेयर पे चेक करता हूं। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं सॉफ्टवेयर के ऊपर, और अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है ना। मैं खोलता हूं क्यूबेस 5 में मैं अपना प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि क्यूबेस 5 आपको फ्री में मिल जाएगा और इसके लिए आपको कुछ चार्जेस की जरूरत नहीं है, इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंपनी ने अब क्यूबेस 5 जो है वो फ्री कर दिया है सब लोगों के लिए, ताकि इससे सीख कर आप और दूसरे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर जा सकें। और अब मैं सबसे पहले डिवाइस चेक करूंगा, डिवाइस पे डिवाइस सेटअप में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा फोकस राइट यूएसबी ASIO स्विच कर दूंगा इस पे, और अब मेरा जो साउंड है वो आ जाएगा इस पे। अब मैं फाइल पे जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एम्प्टी पर जाऊंगा, ओके कर दूंगा और न्यू प्रोजेक्ट में बना लेता हूं कहीं पर, मैं न्यू प्रोजेक्ट डी पे बना लेता हूं और मैं मेक न्यू फोल्डर और टेस्ट ऑडियो कर लेता हूं, टेस्ट ऑडियो, और इसके अंदर प्रोजेक्ट में बना देता हूं। राइट क्लिक करूंगा, एड ऑडियो ट्रैक करूंगा, ओके करूंगा, फिर इनपुट्स में आऊंगा, मैं यहाँ पे मोनो लगाऊंगा, स्टीरियो रिकॉर्ड नहीं होता है, एड बस और क्योंकि एक ही चैनल मुझे लेना है तो एक ही चैनल में लेगा, और उसके बाद में यहां से मोनो इन कर दूंगा, ठीक है ना। ये आ गया, अब मैं चेक करूंगा ये कि मेरा जो साउंड है उसके लेवल क्या है, ठीक है। तो रिकॉर्ड किया मैंने, अभी मैं अपने साउंड के लेवल को चेक कर रहा हूं, तो काफी ज्यादा ये हार्श है, ठीक है ना। तो हल्का सा कम कर दूंगा ताकि बाद में मुझे बढ़ाने के लिए मेरे पास लिबर्टी हो। तो एक बार साउंड को चेक कर लेते हैं और इस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं जो मैंने अभी आपके लिए निकाली। चोल राजवंश, इतिहास, युद्ध और शासन, ये एक मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। हल्का सा वॉल्यूम में बढ़ा देता हूं, वॉल्यूम अभी जो है वो तकरीबन 50% के आसपास है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा, 55% अगर मैं कह लूं तो वो होगा। अब मैं रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं। चोल राजवंश, इतिहास, युद्ध और शासन, चोला डायनेस्टी, हिस्ट्री, वॉर एंड रूलर्स, ये मैंने कैप्शन रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इस प्रदेश में तीन प्रमुख राज्य थे,
चोल, चेर और पांडव। अति प्राचीन काल में इन तीनों राज्यों का अस्तित्व था और अशोक के 13वें शिलालेख में इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया था। अब देखिए, ये जो रिकॉर्ड हुआ है ये एक इंटेंसिटी पे रिकॉर्ड हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो एक इंटेंसिटी पे रिकॉर्ड हुआ है, कोई भी साउंड कहीं फट नहीं रहा, कहीं क्रैक नहीं हो रहा है। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करना। मैंने जो अपना साउंड जो रिकॉर्ड किया है माइक से, मेरा मुंह जो था वो तकरीबन 2 इंच की दूरी पे था। अब देखिए यहीं पे खेल है कि आप अपने साउंड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। यही एक खेल है कि आपके जबान से निकला हुआ साउंड आपके माइक को क्या दे रहा है और आपका माइक आपसे क्या ले रहा है। ठीक है ना। अब चलते हैं कि हम लोगों ने जो चीजें रिकॉर्ड की है उसको अगर हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के मिक्स करना चाहे तो कैसा आएगा, साउंड कैसा बना है, ये अभी मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देता हूं। सबसे पहले मैं इसमें जो फंबल्स हैं वो काट लेता हूं। तो यहां से मैंने शुरू किया था, ये उड़ा देता हूं मैं। ये काट लेते हैं क्योंकि ये एक कैप्शन है, अलग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे म्यूजिक ऐड करना है। देखिए मैं यहाँ पे कट लगाता जा रहा हूँ। उस कट क्यों लगा रहा हूँ उसके पीछे भी वजह है, बताऊंगा अभी क्यों। अब देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें कट लगा लिया कुछ। अभी कट लगाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। ठीक है ना। अब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था, बीजीएम चूल, और इसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। मैं आपको कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये मत घबराइए कि मेरे पास बहुत अच्छे माइक्रोफोन। देखिए अगर आप इंटरनेट के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें सैटेलाइट पे नहीं जाना है तो आप ये सेटअप यूज कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे मिल गया है, ऑलरेडी बैकग्राउंड म्यूजिक मेरा सुना हुआ था तो मैं इसको काटना शुरू करता हूँ। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को पहले थोड़ा सा इसका ड्रॉ कर दिया लाइन ताकि मैं इसका लेवल को कम कर सकूं। और अब मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो रखते चले जा रहा है, रखते इन द सेंस यानी कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक को प्लेस करना है, सॉरी अपने वॉइस ओवर को प्लेस करना है बैकग्राउंड म्यूजिक के अकॉर्डिंग। कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को बीच में क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो विजन है वो थोड़ा सा बिल्ड होगा तो इसलिए। चलो फिलहाल यहां तक मैंने ऑडियो ले लिया इसका। ठीक है ना। अब मैं ऑडियो को काटना शुरू करता हूँ। काटना इन द सेंस यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक को बढ़ाता हूँ। अभी मैं इफेक्ट इसलिए नहीं डालूंगा तो पहले मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को समझ लूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक कितना ज्यादा इनहेंस हो सकता है। फिलहाल मैंने इसको म्यूजिक डाल दिया लेकिन अभी मैंने कुछ ईक्यू नहीं किया है। इंसर्ट में जाके अपनी वॉइस को कुछ ईक्यू नहीं किया तो अब ईक्यू करने चलते हैं। मैं सिर्फ अभी 2 प्लगइन यूज करूंगा, मैं ज्यादा प्लगइन यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं यूज करूंगा इक्वलाइजर जनरल ईक्यू 10 और मैं यहां से दे दूंगा 2%, सॉरी 2%, 2%, 2%, अरे 2%, फिर उसके बाद में 1, 1, 1 और डायनेमिक में जाके मल्टी और डायनेमिक में जाके मल्टीबैंड कंप्रेसर का यूज करूंगा। थोड़े से अपने वॉल्यूम में बेस दूंगा अपने वॉल्यूम को। अब मैं थोड़ा सा गेन दे दूंगा, गेन बहुत नॉर्मल तरीके से मैंने वॉल्यूम में जाके बढ़ा दिया और थोड़ा सा रिवर्ब दे देते हैं इसमें। रिवर्ब मैं रिवर्ब बी का यूज कर लूंगा, बहुत अच्छा रिवर्ब है ये, कंपनी ऑलरेडी इसको देती है, 100% नहीं सिर्फ 1%। अब ये आपको ऑडियो जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है ना। क्या है भाई, माउस मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो मैं हाथ से यूज कर देता हूँ और फाइल में जाके फिर मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ऑडियो मिक्स डाउन कर देता हूँ और MP3 निकाल दूंगा, या चलिए वेव निकाल देते हैं, वेव निकाल देते हैं। एड्स में जाते हैं तो ये तो एड्स है, फिर चूलास करके फाइल सेव कर देते, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, वेव यानी कि आपकी बेस्ट फाइल। अब ये जो मैंने किया है, अब इस ऑडियो का आप लोग सुनिए। चोल राजवंश, इतिहास, युद्ध और शासक। चोला डायनेस्टी, हिस्ट्री, वॉर एंड रूलर्स।
कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इस प्रदेश में तीन प्रमुख राज्य थे, चूल, चेर और पांडव। अति प्राचीन काल में इन तीनों राज्यों का अस्तित्व था और अशोक के 13वें शिलालेख में इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया था, जो उसके साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित थे। कालांतर में चोलों ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उनके उत्कर्ष का केंद्र तंजौर था और यही चोल साम्राज्य की राजधानी थी। तो देखिए, अभी आपके सामने मैंने एक ऑडियो को रिकॉर्ड किया। इससे मेरे दो फायदे, पहले तो मैं आपको कुछ एजुकेट कर पाया, दूसरा अगर किसी को मुझसे कुछ काम कराना है, किसी को मेरी वॉइस की जरूरत है, कोई मेरे इमोशंस को लेना चाहता है तो वो मुझे बिल्कुल हायर कर सकता है। मैं एड्स के लिए अवेलेबल हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज नरेशन के लिए अवेलेबल हूँ, मैं फिल्म्स के लिए अवेलेबल हूँ, डबिंग का भी काम होता है। ये सारा सेटअप मैंने इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि यार मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं काम कैसे शुरू करूँ। तो देखिए भाई, दो चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्निक वो जो मैंने अपने मुंह से दी, टेक्नोलॉजी वो जो माइक ने मुझसे लेकर सॉफ्टवेयर में दिया। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब थोड़ा सा एक प्रमोशन कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखनी है कि ये सारे काम कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तो मेरे नए ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप लोग उसमें इनरोल कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे 9559257019 पे मुझे मैसेज करें। यस, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, और मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और नए बैचेस जो हैं वो नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन के बाद ही आप लोग ऑफलाइन पे जा सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस मेरे ऑलरेडी सारे खत्म हो चुके हैं, अभी मेरा कोई ऑफलाइन बैचेस नहीं है। ऑनलाइन बैचेस मैं शुरू कर रहा हूँ, 2 से 3 बैचेस अभी शुरू होंगे, रात में उसकी क्लासेस होती हैं। तो अगर आप लोग उसमें इनरोल कराना चाहते हैं, तो ये सब काम सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इस चीज़ को हैंडल किया। आप भी करिए, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।